वहीं बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर रायपुर में रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगारों से ठगी करने का फर्जी रेलवे अधिकारी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में जो फर्जीवाड़ा कर रहा था आरोपी, आरोपी ने कबीरनगर, हीरापुर एवं आसपास के रहने वाले बेरोजगारों को रेलवे में विभिन्न पदों पर नौकरी लगाने का झांसा दिया। शुरुआती जांच में 50 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने निकल कर आया है। पुलिस ने आरोपी अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से महंगी कार भी जब्त की गई है। कबीरनगर पुलिस की कार्रवाई जारी है और आरोपी के पास से 20 नग रेलवे बोर्ड का फर्जी सील और 20 नग एटीएम और साथ ही साथ 100 विजिटिंग कार्ड वेस्टर्न और साउथ रेलवे का कार्ड मिला है, जिसमें यह लिहद बनवाया गया था, और 2 कार्ड जिसमें से भारत सरकार लिखा हुआ और बुलेट बाइक भी जब्त की गई है। इन सभी गाड़ियों को उसने ठगी के पैसों से ही खरीदा। यह अपने आप को रेलवे में टीटी के पद पर बोलता था और कहता था कि मेरे पिता मुंबई आईजी हैं, और किसी दूसरे का इंटरनेट से फोटो डाउनलोड कर उसे अपना पिता बताकर प्रार्थी को दिखाता था। और आरोपी ने गुजरात में एक गुप्ता परिवार से भी नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी की। अधिक जानकारी के साथ हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं संवाददाता। हेमंत, क्या पूरा मामला था, कब से ये ठगी कर रहा था, लोगों को शिकार बना रहा था, क्या कुछ अब तक इसने कितने की ठगी की है, क्या कुछ निकल कर आया? पहले आरोपी को कबीरनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अखिलेश यादव है, जो उत्तर प्रदेश के महू का रहने वाला है। इसने करीब दर्जन भर जो युवा है उनसे करीब 50 लाख रुपए की ठगी की है, और रेलवे में खुद को टीटी बताकर ये लोगों को झांसा देता था। इसके अलावा ये यह भी कहता था कि मेरे पिता मुंबई आईजी है, और बकायदा ये फोटो से इंटरनेट से डाउनलोड कर एक फोटो दिखाता था और वो अपना उसको पिता पता था, जबकि वो उसका पिता नहीं था। तो ये तमाम मामलों का इसमें पता चला है। इसके अलावा इसमें इस बात की जानकारी मिली है कि गुजरात से भी इसने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। वहां पर रहने वाले गुप्ता परिवार से करीब 5 लाख रुपए इसने नौकरी लगाने के नाम पर लिए हैं, और करीब 6 महीने से ये जो राजधानी के हीरापुर इलाका है वहां पर रह रहा था। और हैरानी की बात यह है कि इससे 2 कार और 1 बुलेट बाइक भी जब्त की गई है। बकायदा एक कार में भारत सरकार का जो नाम वाली पट्टिका है वो नेम बोर्ड में लगी हुई है। तो कितना शातिराना तरीके से ये अंजाम देता था इसे समझा जा सकता है। और बकायदा जो ये ऐसा लोगों को जाता रहता था कि लोग भी इसके जल में आ जाते थे। एक बहुत बड़ी ठगी का खुलासा यहाँ पर पुलिस ने किया है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, उससे अभी भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने और कितने लोगों को ठगी की है। लेकिन एक बड़ा जो गिरोह है, और इस तरीके से देखा जाए तो बड़े आरोपी को कबीरनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हेमंत, क्या ये कोई रैकेट है जो ये चला रहा था, और लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, या फिर ये अकेला ही इन सभी ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था? देखिए दीपक, इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि रायपुर में करीब 8 लोगों से उसने ठगी की घटना को अंजाम दिया है, और जो 8 लोग हैं वो कबीरनगर और हीरापुर नगर इलाके के रहने वाले हैं। और इसमें बकायदा टीटी का जो वर्दी होता है, जो ड्रेस होता है, वो तक बनवा लिया था। करीब 30 जो वो सील है फर्जी रेलवे बोर्ड का भी उसने बना लिया था। बकायदा उस सील को दिखाता था और सभी सामान को दिखाकर लोगों को अपने झांसे में लेता था। तो हालांकि इसमें कोई गिरोह काम कर रहा है या नहीं, ये अभी उसकी पूछताछ में खुलासा होता है। लेकिन जिस तरीके से वो ठगी की घटना को अंजाम देता था वो हैरान करने वाला है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया हेमंत।